और इसमें डेबी क्लियर के साथ भी सॉन्ग सुनेंगे, डेबी क्लियर के बाद भी। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कूटी की, और स्कूटी है यामा कंपनी की, और इसमें हम दिखाएंगे आपको एक्रोबॉबी का कार्बन कोटिंग एग्जॉस्ट लगवा के। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले तो पहले गाइस, अभी गाड़ी के मैं सामने आ चुका हूं और गाड़ी मेरे सामने खड़ी है, और मैं अभी इसका एग्जॉस्ट सुनाने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको एग्जॉस्ट सुनाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं इसकी साउंड कितनी धीमी है, और बहुत ही देखिए जो आपको कार्बन कोटिंग के साथ आती है प्रीमियम क्वालिटी की है। और गाइस इसमें आपका पैर वगैरह जो जलने का इशू आता था बिल्कुल नहीं आएगा, और इसमें डेबी क्लियर के साथ भी साउंड सुनेंगे, डेबी क्लियर के बाद भी सुनेंगे। मैक श्योर इसमें पैर निकलना चाहिए स्कूटी, हालांकि फिर भी हम ट्राई करेंगे एक बार, देखते हैं इसको यहाँ से कटिंग करवा के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इंतजार हमारा ख़त्म हुआ और आपका भी, और एक्साइटमेंट मेरा बहुत ज़्यादा, अभी तक गाड़ी हमने स्टार्ट नहीं कराया और इसका एग्जॉस्ट प्रॉपर वे में अभी लग गया है। अगर आप चाहो घर पे तो इसको चेंज भी करा सकते हो, अगर मतलब मे बी अगर आपके पास एससी प्रोजेक्टर है, एक्रोबॉबिक है, तो कुछ भी आप लगा के आराम से इजीली घूम सकते हो। ये स्विंग सिस्टम में लगाया हुआ है, तो इसको खोल के भी हम टेस्ट करेंगे। फिलहाल हम इसका भी पहले साउंड सुन लेते हैं। अभी जिनकी गाड़ी है वो खुद एक ट्रायल लेंगे। ये देखिए, सो फाइनली गाइस इंतजार ख़त्म हुआ और ये एग्जॉस्ट लग के रेडी है प्रॉपर वे में, और हम चल रहे हैं अभी एग्जॉस्ट की तरफ। हम चल रहे रोड की तरफ और हम टर्मिनल के पास आ गए, और हम यहाँ पहुंचाएंगे। ब्लॉग में देख ही रहे होंगे, अगर ऐसी वीडियो को आपको देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो,